नमस्ते बेटा शीनू, सभी जो भी अपने वॉलीबॉल के प्लेयर और जो दर्शक है सबको नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। राम राम अमन भाई, बढ़िया जीते भाई। इस कोरोना की महामारी में सभी खिलाड़ी युवा साथी मेरे कुशल मंगल होंगे और सबने पालन किया होगा। राम राम भाई सोनू, क्या हाल है जी? राजी हुड्डा जी, राम राम भाई, कैसे हो? और इस महामारी को, जो कोरोना जो चल रहा है फिलहाल, सबको बड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को, और सभी इसका भाई पालन करें, इसको मजाक में ना ले। बहुत बड़ी बीमारी है ये, इसका खासकर ध्यान रखें। राम राम नवीन, क्या हाल है बेटे? बाकी जैसा हमने लॉकडाउन में ये दिन काटे हैं, शायद ही ज़िंदगी में कभी ऐसे दिन देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वे भी बताते हैं कि ज़िंदगी बीत गई, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रेन भी रुक गई, हवाई जहाज भी रुक गए, सब कुछ बंद कर दिया है। ये एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में सोच के ही पता लगता है कि क्या है ये। रमेश शर्मा जी, राम गोविंद, कैसे हो भाई? क्या हाल है गौरव? बढ़िया भाई। मोती भाई साहब, राम राम जी, कैसे हो मोती भाई साहब जी? किशोर चौधरी, राम राम भाई, क्या हाल है जी? रोहित जाट, राम राम भाई, कैसे हो भाई? मंजीत डॉक्टर भाई, राम राम, कैसे हो डॉक्टर साहब? सब ठीक ठाक है? भाई सोनू, मेरा गांव वैसे चिराग दिल्ली है, दिल्ली में जो है चिराग दिल्ली, और खेल मैंने काफ़ी साल पहले शुरू किया था, करीब हो गए होंगे, करीब 15 या 20 साल हो गए। हाँ नितिन संधू भाई, खेरी मान सिंह जो है अपने राजेश करनाल की टीम, बहुत अच्छी टीम है, जो विक्की भाई बहुत बढ़िया है, और राजेश से पहले एक स्कोरर थे अपने भाई साहब, रज्जी भाई, पहले रज्जी भाई करते थे स्कोरिंग, जिनका फ्री स्टाइल में भी अच्छा गेम रहा है, जंप में, और अच्छे प्लेयर रहे हैं रज्जी भाई साहब, बहुत बढ़िया, और साथ में विक्की है ही, बहुत अच्छी टीम है। राम राम भाई महेश, जय बेटा नरेश, राम राम जी विठल जी। अंशुल राठौर जी शास्त्री बढ़िया प्लेयर हैं, काफ़ी नाम कमाया है, पंजाब भी जाके, हरियाणा में भी, यूपी में भी, दिल्ली में भी, और अच्छा ही गेम है, और जिस हाइट, जो उसकी हाइट है उस हिसाब से उसका बेस्ट गेम है, और जंप भी अच्छा मारते हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। राम राम भाई साहब धर्मेंद्र, भाई जीते जब शुरू करा था और अब शुरू करा है, काफ़ी अंतर है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये गेम जो फास्ट जो होया है, जो भी गेम में अच्छापन आया है, शायद ही कोई बता पाएगा, ये हमारे बिट्टू भाई जो एम्स में मेडिकल में जो जॉब करते हैं उनकी देन है। अगर वे नेट ऐसा नहीं बनाते तो ये गेम शायद ही इतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने नेट बहुत अच्छा बनाया है,
जिससे नेटमैन दुखी ना हो। पहले आप क्या खेलते थे, झोले वाले नेट पे खेलते थे, जिसको आप देसी भाषा में कह दो घाघरा कह सकते थे, कि नीचे तक लटका रह करता गोडे तक, तो नेटमैन उसमें ज़्यादा खेल नहीं पाता था और अच्छा गेम नहीं हो पाता था किसी भी टीम का। तो जो नेट बिट्टू भाई ने दिया है, बेस्ट नेट दिया है, सबसे पहले तो हम उसी भाई की बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बिट्टू भाई को, मेडिकल वाले को, जिन्होंने हमें ये बढ़िया नेट दिया है। बाकी ये कंपनियां जो आई है और सागर है या वे है, ये तो पहले भी थी, पर इन्होंने पहले कभी क्वालिटी नहीं दी नेटमैन के लिए। और खिलाड़ियों के बारे में अच्छा सोचा है बिट्टू भाई ने, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है बिट्टू भाई का। राम राम संदीप, क्या हाल है भाई प्रधान। राम राम राहुल जून, कैसे हो भाई। अरे सिंटू, क्या हाल है भाई, ठीक हो भाई, आपके तो दर्शन ही नहीं होते। राम राम अमित भाई, कैसे हो जी। हाँ मोहित भारद्वाज जी, वही बता रहा हूँ, जो पहले नेट था और अब जो नेट है उसमें दिन और रात का अंतर है। पहले जो नेट था उसको आप रात कह सकते थे, अब जो नेट है वो दिन है। खेलने में भी मज़ा आता है, नेटमैन भी है, टीमें भी है, और नेटमैन अब बहुत हो चुके हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हैं इस नेट पे। पहले इतने नेटमैन खिलाड़ी नहीं थे जितने अब है, और अब तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक गांव में नेटमैन अच्छा है। राम राम योगित, क्या हाल है भाई। खजान सिंह भाई, देखो दोनों टीमें अपने अपने अच्छी हैं, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, चिराग दिल्ली और पथरेड़ी में दोनों ही टीम बेस्ट है, और मेरी दोनों ही टीमें आई हैं। हाँ सोनू भाई, ये बिट्टू भाई जो है अपने दिल्ली से हैं, और ये एम्स में जॉब करते हैं मेडिकल में, इन्होंने ही नेट बनाया था। कौशिक, कैसे हो जी पंडित जी। राम राम कौशिक साहब। हाँ सिंटू, पता तो लगा था भाई कि आप हिसार रह रहे हो, पर काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, टाइम क्या, काफ़ी साल हो गया आपसे मिले हुए। राम राम प्रदीप भाई, कैसे भाई। तो प्रदीप भाई, राम राम गौरव जून, कैसे बेटा। हाँ भाई साहब, ये हाँ 1 लाख का प्राइज जीते हैं हमारी टीम चिराग दिल्ली झुंझुनू में, और अच्छा टूर्नामेंट होता है। शुरू में जब हम झुंझुनू गए थे तो हम सेकंड आए थे, और जब नेक्स्ट जब टूर्नामेंट में गए तो फर्स्ट आए थे। हाँ राहुल, नेट और बॉल मोनू की अच्छी है, जो 380 की है, बढ़िया है, उसका नेट भी अच्छा है। बढ़िया योगित। हाँ रमेश शर्मा जी, ठीक कह रहे हो आप। नीरज है, अपने संदीप भूंडू है, चकदे भाई है, अंकित है, नीटा है, इनको भी लाइव आना चाहिए, अपने गेम के बारे में बताना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए गेम के लिए, जो भी है बिल्कुल बात करेंगे इनसे।
बढ़िया गौरव बेटा। क्या हाल है गोरू? राम राम बेटा। भाई राहुल किस टूर्नामेंट में कमल की एंट्री नहीं होने दी? कुलविंदर सिंधु भाई मैं काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ, हाँ कौशिक साहब पंडित जी, जुनैरा जो टूर्नामेंट है फरीदाबाद में बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, उसके बारे में जितना बोला जाए वो कम पड़ेंगे शब्द। और आपकी कमेटी बेस्ट कमेटी है, बहुत अच्छी कमेटी है, सभी खिलाड़ियों का आदर सम्मान करते हैं आप, बहुत बढ़िया है भाई जी। कमल, हाँ गौरव कुमार भाई, कमल के बारे में दो शब्द। देखो कमल हर फॉर्मेट में बेस्ट है, कैसा भी फॉर्मेट उसके लिए हो, और मैं तो कहता हूँ खिलाड़ी वो है जो हर फॉर्मेट में खेले, ये नहीं कि यार अरे ऐसा कर दो ऐसा कर दो मैं जब खेलूँगा, वो खिलाड़ी नहीं होता स्टार, कोई स्टार वही होता है जो हर फॉर्मेट में खेले। और बहुत बेस्ट प्लेयर है, काफ़ी सालों से देख रहा हूँ मैं कमल को, बहुत अच्छा है, इंसान भी अच्छे हैं, जयपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी बढ़िया बेस्ट हैं, नेचर के भी अच्छे हैं सभी। हाँ रमेश भाई, जो फेडरेशन जो अभी बना रहे हैं आईपीएल की पूरी तैयारी है, अच्छा होगा आईपीएल, और मैं तो कहता हूँ भाई जिसको आगे आना है आओ भाई, कांटेक्ट करो विपिन भाई से, करो मेरे से, कर लो जो भाई आपको अच्छा लगे उससे कर लो, सबको मौका मिलेगा। और 6 प्लेयर का है, और इसमें ऐसा नहीं है कोई कहीं से खेलो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो? राम राम नीटे बेटा। भाई राहुल वो जो 1 लाख का जो टूर्नामेंट था झुंझुनू में, कमल की उसमें एंट्री थी, पर कुछ उसमें क्या कन्फ्यूज रहा है, कमल वो खेल नहीं पाया था मैच, मैच अनाउंस किया गया था तो कमल ने शायद वो मैच छोड़ दिया था, उसके बारे में तो कमल ही बताएगा, ऐसा कुछ था। अरे सिंटू धन्यवाद भाई। राम राम बेटा। रोहित कैसा है बेटा? हाँ मोहित भारद्वाज उसने अंकित खेला था, दोनों टूर्नामेंट में खेला था अंकित, पहले वाले में भी और दूसरे में भी, जिसमें सेकंड आए थे पहले में उसमें भी खेला था, और जिसमें फर्स्ट आए थे 1 लाख का प्राइज जीता है उसमें भी, दोनों में था। बिल्कुल भाई कौशिक जरूर आएंगे, आप बुलाए यार हम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ गौरव भाई, रिवाड़ी में जो मोतला का टूर्नामेंट होता है, अच्छा टूर्नामेंट होता है, बेस्ट टूर्नामेंट होता है, और शायद जो है उसने जो फाइनल खेली थी अभी लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें करनाल जो खेड़ी मानसिंह की टीम, जयपुर कमल की टीम का दोनों का हुआ था, बहुत ही अच्छे मैच लगे थे। और आपकी कमेटी बेस्ट कमेटी है, और जितने भी आपके नवयुवक जो लड़के हैं वाकई में ही कमाल के हैं सभी, बहुत अच्छी कमेटी है भाई साहब आपकी, और आप टूर्नामेंट भी अच्छा कराते हो, नेचर के भी अच्छे हो।
हाँ मोहित भारद्वाज, अंकित, मंचल और नीना। देखो अपनी अपनी क्वालिटी है तीनों में। नीना नेटमैन है, बहुत बढ़िया नेटमैन है, बेस्ट है, और मंचल के तो है ही पावर, पावर है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अंकित का अपना अलग गेम है, मंचल का अलग है, तो तीनों का अपने अपने फॉर्मेट में बेस्ट है ये तीनों। हाँ कौशिक भाई, जो अपने भारत बगरोला है वो बहुत ही अच्छे इंसान है फरीदाबाद में, और उन्होंने प्योर शूटिंग भी खेली है, काफ़ी खेली है। उनके साथ अपने एक मित्र होते थे सतीश भाई साहब, जो मेरे क्लोज थे, जो शायद भारत भाई के गुरु भी थे वे और मेरे मित्र थे। काफ़ी अच्छा वो है इनका गेम भी और बढ़िया, और बच्चों को भी हमेशा आगे लेके जाते हैं, और वो अपने पूरे ग्राउंड की बॉल नेट सभी भारत भाई अरेंज कराते हैं। शायद फरीदाबाद में मुझे नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई और होगा। हाँ कुलविंदर भाई, देखो नेट की हाइट एक ही होनी चाहिए सभी टूर्नामेंट में, ये ना हो कि यार एक जगह तो आपको मिल गया 7.5 फुट पे और एक जगह मिल गया आपको 9 फुट पे। तो ये एक मेन हाइट का जो रूल है वो एक होना चाहिए सभी जगह। मैं तो कहता हूँ अपने ग्राउंड में भी नेट की हाइट वही रखो जो आपको टूर्नामेंट में मिलती है, और सब जगह एक ही नियम होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए बिल्कुल। और नेट की हाइट कम से कम नहीं तो 7-11 तो कम से कम होनी चाहिए, शुरू में 7-11 कर लो, उसके बाद 1 इंच और घटा लो, क्योंकि एकदम आप अगर नीचा करोगे तो आधी टीमें शायद नहीं खेल पाएंगी, वो गेम नहीं दिखा पाएंगी, मेरा जो ये मानना है। राहुल जून, मेरा फेवरेट प्लेयर भाई नरेश है, अपने नरेश सहरावत चिराग दिल्ली से, उससे बड़े मैं किसी को मानता नहीं हूं। बिल्कुल नरेश भाई, बिल्कुल करेंगे भाई। राम राम भारत, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप, वो सब ठीक ठाक है परिवार में? कोई नहीं कौशिक भाई, अब जो आप टूर्नामेंट कराएंगे लॉकडाउन के बाद, उससे 2-3 घंटे पहले ही आ जाऊंगा मैं, आपके जितने भी वो नाराजगी है सब दूर हो जाएगी। राम राम अजीत भाई, कैसे हो भाई जी? राम राम अरुण दैया, कैसे हो भाई जी? हरिओम शर्मा जी, राम राम भाई। लक्ष्य तेरे क्वेश्चन का जवाब दे तो दिया, जब एक तीनों का क्वेश्चन का जवाब दिया था, मंचल का भी, अंकित का भी और नीने का। धन्यवाद भाई कुलविंदर सिंधु जी। हाँ कौशिक भाई, देखो भारत भाई अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, नेचर से भी अच्छे हैं, और मेरे चिराग दिल्ली ग्राउंड पे टीम भी लेके आए हुए हैं, 2-3 बार अपने खेलने आए हैं फ्रेंडली गेम, बहुत बढ़िया आदमी है भाई सर। बढ़िया रणदीप चहल जी, आप सुनाओ कैसे हो जी, कैसे हो भाई जी? हाँ जीते भाई, आप ठीक कह रहे हो,
एक अंडर हैंड में अच्छी फाइट हो रही है, अच्छे मैच चल रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, और मैं तो कहता हूँ ये 6 प्लेयर का होना चाहिए ज़रूर, जो भी फॉर्मेट हो 6 का बेस्ट है थर्ड बॉल अंडर हैंड का। और नेट तो खैर हाइट तो होनी चाहिए कम से कम 7-11, 7-10, जो भी आपको अच्छी लगे वो ज़रूर करनी चाहिए सभी को मिल के। काला धूमसी भाई अच्छा प्लेयर है और कम समय में अच्छा नाम कराया उसने, अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं उसने, काला धूमसी भाई ने। पंजाब में भी अच्छा नाम है भाई का, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है। राम राम पुनीत राणा, क्या हाल है भाई। बंटी भाई साहब राम राम, कैसे हो सुडाना वाले भाई साहब। अमन बलेसर भाई, काला कुराड़ हमारी तरफ वैसे आया नहीं है, हाँ मैंने उसका एक दो तीन जो लाइव देखे हैं, अच्छा मैच है भाई का। और जंप में जो फ्री स्टाइल में वो तो वाकई में ही तारीफ़ काबिल है, शानदार जंप है जो फ्री स्टाइल में, बहुत बढ़िया मैच है उसका भाई साहब का। अरे सिंटू 8-2 भाई, कोई ये कोई ड्रॉपिंग थोड़ी ना है, अब अंडर हैंड में अगर 8-2 कर देंगे तो 4 घंटे में मैच ख़त्म होएगा। हाँ मोती भाई साहब, जो राजस्थान में अभी भी जो गेम है वो ड्रॉपिंग का है, 8-2 8-3 रखते हैं, खेलते हैं, बिल्कुल मानते हैं हम। राम राम बंटी, क्या हाल है भाई। हाँ जो अपने निमोट के संजय भाई हैं जिनको हाड़ी के नाम से मशहूर है हमें भाई साहब, गेम उनका बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट हाड़ी के सामने खेलती है, अगर वो फास्ट बॉल मारती है तो उससे भी डबल फास्ट बॉल वो वापस रिटर्न मारता है संजय, जो हाड़ी जो निमोट का है बहुत बढ़िया है। और लीलू भाई जो टीट से है, लाजवाब खिलाड़ी है, डबल डबल के, तीन तीन के, पांच पांच में, बहुत बढ़िया गेम है। और हर साल अपने गांव में टूर्नामेंट कराते हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं टीट में, उनकी कमेटी भी अच्छी है, बेस्ट टूर्नामेंट होते हैं टीट में। और अपने भारत भाई जो बोड़िया कमालपुर से हैं, उन्होंने भी एक छत्र राज कराया है, रेवाड़ी के जाने माने प्लेयर हैं, बढ़िया खिलाड़ी, बेस्ट प्लेयर रहे हैं, अब तो खाई शायद उन्होंने खेलना बंद कर रखा है, कम कर रखा है नौकरी की वजह से। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है लक्ष्य डबास, जो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। और जो फोगाट, जो देखो ऐसा है फेसबुक पे आगे कोई भी बकचोदी कर सकता है, जो फोगाट ने कहा है, कभी किसी से पूछा है, कभी देखने आया है वो, क्या वो बहादुरगढ़ से नेटर बॉल दे के जाता था क्या चिराग दिल्ली, और कितने नेट बॉल दे चुका है वो, ये तो कोई भी कर सकता है भाई, लक्ष्य है। राम राम चंद्रपाल यादव, कैसे हो भाई, आकेड़ा वाले भाई। अहलावत जी जो अपने योगी अहलावत है, काफ़ी नाम है भाई का भी, और अंडरहैंड के अच्छे स्कोरर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है फरीदाबाद से, उन्होंने भी काफ़ी टूर्नामेंट खेले हैं और
काफ़ी जीते भी हैं। चंद्रपाल भाई, आकेड़ा की टीम बढ़िया टीम है। आकेड़ा से मैं कम से कम 10-12 बार मैं ग्राउंड में खेला हूँ। आकेड़ा के मैं अपने बबलू भाई है जो प्रधान थे, सरपंच थे, और मास्टर जी और दीपक अपने, सभी को मैं जानता हूँ भाई फेस भी, और मिला हुआ हूँ, और आपके ग्राउंड में काफ़ी बार खेल के आया हूँ। बहुत बढ़िया टीम है आकेड़ा की, बेस्ट टीम है। अरे प्रदीप, हमें ना है कुछ भी भाई, मोनू इन्फॉर्मेशन हमें कुछ नहीं है, और ना हमें खेलना आता भाई। मुझे जिसने जो कह दी बढ़िया कही है, अच्छी कही है, क्योंकि जिस बहस का कोई वो नहीं है। हाँ सौरभ भाई, ड्रॉपिंग बेस्ट है, पर ड्रॉपिंग के कितने टूर्नामेंट होते हैं? शायद साल में 1-2 टूर्नामेंट होते हैं, और वो भी ड्रॉपिंग के। अब टूर्नामेंट जो होते हैं वो भी इधर मेरठ की तरफ रह गए, हापुड़ की तरफ, और कहीं तो होते ही नहीं हैं अपने। ना दिल्ली में ड्रॉपिंग हो रही है अब, ना अपने बहादुरगढ़ में, ना रोहतक में, ना सोनीपत में, कहीं भी तो ड्रॉपिंग होती ही नहीं अब। हाँ राहुल भाई, अच्छा काम कराया आपने, जो लीग चालू करी है 4 टीमों की, बहुत बढ़िया है। जब तक लॉकडाउन चले, जब तक आप ये करते रहो, बच्चों को खिलाते रहो, बढ़िया है ये। खेलने से उनकी फिटनेस भी ठीक रहेगी, अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया राहुल भाई, अच्छा कार्य कर रहे हो। भाई रमेश, ऐसा है, आप रमेश शर्मा जी कुछ है जो कहना चाहते हैं कुछ और? मैं तो कह रहा हूँ वे अपने ठीक करा, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो जैसा है वैसा कहेगा। हाँ बंटी, अश्विन जो है अभी शुरुआत में जो उसने गेंद दिखाया ड्रॉपिंग का, बहुत ही बढ़िया गेम है, बेस्ट गेम है भाई का, अश्विन का, और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट भी जीते हैं भाई ने। बेस्ट खिलाड़ी है बहादुरगढ़ का, और मैं तो कहता हूँ बाबा, बाबा इससे भी ऊपर है, बाबा ने तो सब फेल कर रखे हैं ड्रॉपिंग में। कौशिक भाई, ड्रॉपिंग की बेस्ट टीम अब तो फिलहाल तो कोई नहीं है, जो जीत जाए वही बेस्ट है अब तो। जिसके पास लंबू है, यानी लंबा स्कोरर है कौशिक भाई, छोटे का तो अब जमाना गया। जिसके पास 6 फुट से ऊपर हाइट वाला स्कोरर है वही जीत रहा है अब। भाई सोनीपत की टीम अच्छी है, जितेंद्र मलिक भाई बहुत बढ़िया है, अच्छे खिलाड़ी है, सभी बेस्ट है। पवन राठौड़ जी, राम राम भाई जी, सुरेंद्र मलिक, राम राम भाई साहब, राम राम। सिद्धार्थ कुमार जी, कैसे हो भाई जी? सोनी भाई, राम राम, कैसे हो सोनी भाई, बढ़िया हो आप सब? भाई मोनू, देखो ड्रॉप भी काफ़ी अच्छा रहा है टूर्नामेंट, उसमें भी मज़ा आता था। शायद मैं आपको बता दूं, काले भाई जो अपने पीरागढ़ी से है, उसने टूर्नामेंट कराया था, तो उसने सारी जितनी भी अपने ड्रॉपिंग की जो टीमें थी, बेस्ट टीमें, वे सभी आई थी,
करीब उसमें 8 से 10 टीमें ऐसी थी, आप ये नहीं कह सकते कि पीरागढ़ी में 8-10 टीमें ऐसी थी जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार ये टीम फाइनल जीतेगी। उन 8-10 टीमों में से कोई भी फाइनल जीत सकता था, और बेस्ट टूर्नामेंट कराया था काले ने, पीरागढ़ी वाले ने। और उसने एक रूल था कि एक टीम में एक स्कोरर होगा और सभी अपने अपने सेट से खेलेंगे, अपनी अपनी टीम से। तो सभी के सेट आए थे, सभी के गेम हुए थे, बहुत अच्छे गेम हुए थे, बढ़िया टूर्नामेंट था काले का, पीरागढ़ी वाले का। भारत भाई राम राम, कैसे हो रहा भाई जी? सुरेंद्र मलिक भाई, देखो जो फॉर्मेट तो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो अनरैंड का ही चल रहा है, इससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता अब। नमस्कार भारत भाई, कैसे हो भाई जी? सरदाना भाई बढ़िया हो? भारत भाई ऐसी बात नहीं है, नहीं नरेश भाई आप गलत कह रहे हो। चिराग दिल्ली की जान नहीं हूं मैं, चिराग दिल्ली के लिए मैं कैंसर हूं फिलहाल तो, क्योंकि मैंने चिराग दिल्ली टीम के लिए कभी कुछ किया नहीं है, ना मैंने कभी नेट बॉल का कराया है अरेंजमेंट, ना कोई ग्राउंड के लिए कुछ कराया कभी। क्योंकि एक तो अभी फिलहाल 2 दिन पहले कह के गया था फोगाट, आपने उसकी बात भी सुनी होगी, क्या कहिए उसने क्या नहीं बोला है। बोलना तो आसान है, करके दिखा भाई कुछ, प्रधान तो बहुत हैं। हाँ चंद्रपाल भाई, देखो अंकित बेस्ट है, और टक्कर देखो किसी की, हम किसी की तुलना किसी से नहीं कर सकते। अरे भाई सुरेंद्र मलिक, कैसी बात कर रहे हो? हाँ भाई चंद्रपाल बेस्ट है, कोई वो डाउट नहीं है भाई साहब, अच्छा नाम कमाया है। भाई जो सोनीपत की टीम है, नींद ने विक्की की, बढ़िया टीम है, बेस्ट है, सारे खिलाड़ी अच्छे हैं, और उनकी टीम जब ही जाती है जब उनके पूरे खिलाड़ी होते हैं, न वरना भी टूर्नामेंट भी अपना कैंसिल कर देती है। ये नहीं है कि भाई वहाँ से बुला लो या वहाँ से बुला लो, जब तक उनके 7 प्लेयर नहीं होते वे खेलने भी नहीं जाते। अच्छी टीम है। राजेंद्र भाई साहब राम राम, आप तो गुरु हो जी। भाई सर भारत सरदाना जी, देखो फॉर्मेट दोनों होने चाहिए, ओपन भी होना चाहिए, पंचायती भी होना चाहिए, हर फॉर्मेट होना चाहिए। इसका कारण मैं बता दूं, अगर ज़्यादातर ओपन ही करोगे तो नए बच्चे नहीं आ पाएंगे आपके, जो नए बच्चे आप कहाँ से लाओगे खिलाड़ी। ओपन में क्या होता है, जैसे मैं हूँ अब, मेरे को टीम बनानी है, दो मैं वहाँ से बुलाऊँगा, दो वहाँ से बुलाऊँगा, दो वहाँ से बुलाऊँगा, कर लूँ 8 प्लेयर। पंचायती भी ज़रूरी है, हर फॉर्मेट ज़रूरी है, ताकि खिलाड़ी निकलते रहें नए। भाई लक्ष्य, तुम मेरे से क्या पूछे है, चिराग दिल्ली वालों से ही पूछ लियो ना, झूठी है या सही है, जो तेरे को बता दे वो सही मान लियो। भाई शीनू है, नीरज है, नरेश है, मुकेश है, किसी से ही पूछ लियो, जो भी कह देंगे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कब कहा है,
अरे मैं गुस्सा नहीं हो रहा बेटा, आप पूछ लेना जो बता देंगे सही है वो। विपिन भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई जी। राम राम विक्की, कैसे हो भाई? बर रमेश शर्मा जी धन्यवाद भाई जी। सुरेंद्र मलिक, शीनू हो या अपने संदीप जो भूंडू है सापला से, खैर इनका मुकाबला तो नहीं है। जिस हाइट के हिसाब से इन्होंने, शायद ही कोई प्लेयर जो अपने लंबे लंबे थे, जो स्कोरर थे, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, सबको टक्कर दे के हराया इन्होंने। और बढ़िया बढ़िया मैच निकाले हैं, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं इन्होंने, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर टाइम होता है हर चीज़ का। परविंदर राणा क्या हाल है भाई, कैसे हो? हाँ भारत भाई बिल्कुल। राम राम भाई फोगाट भाई। हाँ फोगाट भाई, आपने तो पूछ ली होगी फोन करके, उसका जवाब भी दे दो, फेसबुक पे लिख के दे दो। आप लाइव तो आ गए हो देखने, कम से कम उसका जवाब तो दे दो। पूछ तो जरूर ली होगी आपने, क्या है क्या नहीं है, बोल ही दो यहाँ पे लिख के, ताकि आपका भी ये वेट कर रहे हैं सब। एक तो लक्ष्य डबास भाई कर रहे हैं अपने, जरूर लिख के भेजो भाई। राम राम संजय, क्या हाल है भाई, कैसे हो? भाई राव, 6 प्लेयर कोई कहीं से भी खेल सकता है फेडरेशन में, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ले भाई किसी पे बैन है। बाकी आप जो अपने टूर्नामेंट कराते हो गांव में, उससे हमारा कोई इतना वो नहीं है। आप 5-2 कराओ, ओपन कराओ, 6-1 का कराओ या 5-1 का कराओ, वो आपके ऊपर है। हाँ फेडरेशन का ये रहेगा कि भाई नेट बॉल देगी आपको, और जो भी टूर्नामेंट होंगे वो टाइमिंग पे होंगे। टाइमिंग का मतलब जो एक आप कमेटी निर्धारित करेगी टाइम, कि भाई 10 बजे हमें सभी टीमें चाहिए, तो वो 10 बजे ही आएंगी। हाँ जो दूर की टीम है 200 किलोमीटर की, उनके लिए 1 घंटे या 1.5 घंटे की छूट होगी। और मैं तो कहता हूँ कि भाई जो टीम किट में ना आए उसकी इंटरव्यू मत ना लो, ताकि हम लाइव भी चलाते हैं और शायद हमारे सबके परिवार भी लाइव देखते होंगे ज़रूर गेम को, तो एक अच्छा सा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और 6 प्लेयर का रूल है फेडरेशन में। हाँ राव अमित भाई, 4-2, 5-1 जो भी बेस्ट लगे, मतलब अपनी कमेटी को कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फेडरेशन आपको नेट बॉल प्रोवाइड करेगी और टाइमिंग करेगी, और टीमों को फेडरेशन की जिम्मेवारी होगी बुलाना। भाई खेरी मान सिंह का बेस्ट प्लेयर है, मैं तो रज्जी भाई साहब को ही बोलूँगा, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी, पहले शुरू में वे ही थे, उन्होंने एक अच्छा टीम दिया है सभी को, उनकी ही बनाई हुई टीम है, बेस्ट टीम है भाई रज्जी की। उसके बाद अपने राजेश भाई आए हैं स्कोरर, बहुत अच्छे स्कोरर है, खेल भी अच्छा है।
हाँ बिल्कुल भाई, सुरेंद्र मलिक बढ़िया है। हाँ विपिन भाई, कुछ है जो असामाजिक तत्व कह सकते हो आप जिनको, कि वे मज़े लेने के लिए आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि खेल के बारे में पूछे या गेम के बारे में पूछे, भाई क्या फॉर्मेट है, कैसे होगा कैसे नहीं, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। उन्हें खाली ये है कि भाई उसके बारे में बताओ भाई, क्या वो सही है क्या वो गलत है। मतलब भाई ऐसा लगा रखा है जैसे एक कोर्ट है और वे वकील हैं और जज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई बताओ। ये तो हालत है। खिलाड़ी तो बाद में बनो, पहले अच्छे इंसान बनो भाई, कोई भी हो। विजेंद्र भाई, मैंने आपको यूँ ना कही कि अपने दम पे चलाते हो या नहीं चलाते, उसके बारे में मैंने बोला नहीं है। मैं अपनी अपनी राय पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में आपकी क्या है वो है। आपने कब मैं नेट बॉल दे दिया, बोल रहे थे आप कुछ भी करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, फोगाट भाई। राजेंद्र भाई साहब, हम आपको कहाँ खिला सकते हो, आप तो गुरु हो और दिल्ली के सुपरस्टार हो, सबसे पुराने खिलाड़ी जो आप ही हो हमारी नज़र में तो। और आपका जो सिंगल हैंड है भाई साहब, वो तो लाजवाब है, गेम आपका है ही बेस्ट। धोनी ने, गुड्डू ने, सचिन ने आपको बॉल मारी, आपने सिंगल हैंड से पार कर दी। आपका तो बेस्ट गेम है और आप हर फॉर्मेट खेले हो, ड्रॉपिंग भी शूटिंग भी। राम राम अश्विन आशीष, कैसे हो भाई चौहान। राम राम विकास गौड़, कैसे हो भाई, जय हो। हाँ पोसंगीपुर का टूर्नामेंट भाई बहुत बढ़िया होता है, बेस्ट टूर्नामेंट होता है, अच्छा कराते हैं ये अपने भाई जो है, और फेयर कराते हैं। दिल्ली में उनका अच्छा टूर्नामेंट होता है पोसंगीपुर का, कम प्लेयर का टूर्नामेंट बेस्ट टूर्नामेंट होता है भाई, मज़ा भी आता है देखने में उसको, और कराते भी ड्रॉपिंग है। बबलू भाई, राम राम। शर्मा जी कैसे हो, पंडित जी। भाई नाना यमुनानगर से तो वैसे, और आपको बता दूं मैं, गुड़गांव में टूर्नामेंट हो रहा था खानसा में, 31,000 का जो प्राइस था, वहाँ पे सभी टीमें आई थी अपने, जो भी बेस्ट टीम में थी ड्रॉपिंग की। वहाँ पे पहला टूर्नामेंट हमने यमुनानगर से जीता था, चिराग दिल्ली ने, सबसे बेस्ट पहला टूर्नामेंट चिराग दिल्ली ने, बड़ा बिग टूर्नामेंट खानसा में ही जीता था, और जंप का जो फ्री स्टाइल का था वो भी जीता था। और इससे पहले साउदा में, सबसे पहले दिल्ली में टीम आई थी ये यमुनानगर नान्हे भाई, जब हमारा एक रॉयल क्लब होता था जिसमें नरेश खेलता था और अरविंद डल्लूपुरा से, और अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से दीपक भाटी और आशीष जिसको सूबे के नाम से जानते हैं, वो नेटमैन थे, भंडारी ऑफ स्कोरर था हमारा, और एक अपने सोनू था छोटे खेड़े से, सोनू मान, और बिट्टू भाई थे,
जब उनसे पहली बार जीते थे सावदा गांव में। उसके बाद यमुनानगर से हम जीते थे बहादुरगढ़ में। हाँ विपिन भाई, देखो पुंदर बेस्ट प्लेयर है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी नजफगढ़ में टूर्नामेंट हो रहा था गोपाल नगर में एक, तो मैं पुंदर के गांव के लड़के और अपने पथरेड़ी से अमर और बंटी, हम ये और एक अपने योगित जो सापला से है जिसको टकला कहते हैं नेटमैन, हम खेलने गए थे। तो हम वहाँ पर खेले तो सबको ऐसे ही लग रहा था अरे क्या है ये, कुछ नहीं है, और भी टीमें थी हमारे से बढ़िया टीमें थी, पर हमने वहाँ पे फाइनल दिखाया और फाइनल जीत के दिखाया, और वो हमारा बेस्ट टूर्नामेंट भी कह सकते हो, क्योंकि एकदम से कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ बनता नहीं है, पर हमारा बना उसमें। उसमें एक साइड मैं खेल रहा था, एक साइड योगित था सापले वाला, और बीच में हमारे पुंदर भाई थे, छोटे भाई पुंदर सेंटर खेल रहे थे। अच्छा गेम दिखाया था, उसके गांव का ही नेटमैन था, बहुत बढ़िया गेम था भाई वो। हाँ सुरेंद्र भाई, ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल। राम राम लक्की शर्मा, कैसे हो भाई जी? हाँ योगी, क्या हाल है भाई जी, कैसे हो आप? योगेश कौशिक, हाँ नीरज बेटा, आईपीएल खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता, वो तो सबके लिए है, कोई एक के लिए तो है नहीं। और आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, विपिन भाई से कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सब खेल सकते हैं आईपीएल में, जैसा भी होगा सिलेक्शन होगा सबका। बिल्कुल नवीन भाई, आप ठीक कह रहे हो, ड्रॉपिंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पर ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट तो कराओ, टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो खिलाड़ी क्या करेगा? अब ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट कराएंगे जब भी तो कुछ होगा, कितने टूर्नामेंट कराओगे बताओ, आप ही बता दो, सब मिल के करो, जितने भी ड्रॉपिंग खेलते हैं जितनी भी टीमें हैं, कि भाई हम अपने गाँव में एक एक ड्रॉपिंग का टूर्नामेंट कराएंगे, जब आपका ड्रॉपिंग जिंदा होगा। जैसे नवीन शर्मा, आपने बोला एक टूर्नामेंट आप कराओ, शीनू बोल रहा है ड्रॉपिंग एक टूर्नामेंट चिराग दिल्ली में कराओ, तो जो भी ड्रॉपिंग खेलते हैं, जैसे बहादुरगढ़ में बाबा ड्रॉपिंग खेलता है, अश्विन खेलता है, एक वो कराए, जो भी ड्रॉपिंग की टीमें हैं वो सभी अपने एक एक टूर्नामेंट कराओ, ड्रॉपिंग भी आएगी, पर कराने का वो तो करो, कोशिश तो करो आप लोग, ड्रॉपिंग जिंदा होगी, क्यों नहीं होगी, करो टूर्नामेंट, ड्रॉपिंग भी आएगी, ड्रॉपिंग के टूर्नामेंट भी होंगे और टीमें भी होंगी। हाँ तो मैंने नवीन भाई यही तो बता रहा हूँ मैं कि टूर्नामेंट कराओ, जो भी ड्रॉपिंग की टीमें हैं वो सभी अपने एक एक टूर्नामेंट दो, उसी के बारे में बताया मैंने। अब जो ड्रॉपिंग खेलते थे वही अंडर एंड का टूर्नामेंट करा रहे हैं, और वो आपको भी पता है नवीन, राम राम मोहित यादव भाई, कैसे हो? भाई सुरेंद्र मलिक, आप ठीक कह रहे हो, पर जिनका नाम लिया था लाइव पे
कि भाई उनको पूछो उनको पूछो। क्या वे आ सकते हैं? आओ इकट्ठे हो, कौन मना कर रहा है, बात करो। और क्या उनको बोला नहीं मलिक? राम राम नीलू, कैसे हो भाई? लव स्टार, अपने जो रेवाड़ी के स्टार प्लेयर हैं नीलू, वो भाई भी जुड़ चुके हैं लाइव पे, जिनके यहाँ बेस्ट टूर्नामेंट होते हैं अपने टीट गांव में, और बढ़िया टूर्नामेंट होते हैं। राम राम जगह भाटी, कैसे हो भाई जी? जग्गा भाई के बारे में दो वर्ड। देखो तो जग्गा भाई ने एक अच्छा काम किया है, अपने गांव के बच्चे तैयार करे हैं, नए बच्चे निकाले हैं खेल के लिए, और खिलाड़ी दिए हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया है। और हर साल में टूर्नामेंट भी कराते हैं, अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं। भाई साहब के में एक टूर्नामेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, शायद हो सकता है कि जो उनके साथी हैं उन्होंने सहयोग ना करा हो, क्योंकि टूर्नामेंट कराने में काफ़ी आदमी चाहिए, एक आदमी से टूर्नामेंट नहीं होता कभी भी, तो कमेटी पूरी चाहिए। बढ़िया आदमी है जग्गा भाई, बहुत अच्छे थे। भाई गोलू, जॉन सीना ने जो गेम अब दिखाया है दो तीन सालों में, मैं तो कहता हूँ बहुत बेस्ट गेम दिखाया जॉन सीना ने, और काफ़ी बड़ी उम्र में आके सीखा है, जिस एज में उनने सीखा है वो गेम वाकई में लाजवाब सीखा है, और बढ़िया ही गेम है उनका, बेस्ट गेम है, अच्छा गेम है। नमस्ते जोनी भाई, कैसे हो भाई? भाई योगेश, बढ़िया लगा फरीदाबाद जुनैना का टूर्नामेंट, और मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ अभय प्रताप भाई ठाकुर, नाना यमुनानगर एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट प्लेयर थे, और उन्होंने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तकरीबन सभी स्टेट में नंबर वन रहे हैं जब तक खेले हैं। बहुत बढ़िया गेम रहा है, अच्छी टीम थी, और उनके जो टीम के प्लेयर थे, नाना भाई सेंटर थे अपने, उनका नेटमैन बबलू, और थर्ड में कमांडो, एक साइड अपने सांगी मनीष जो जिसको नाम से जानते हैं, एक साइड में अपने मोहन भाई जी, और ऑफ स्कोरिंग पे सेटी, और स्कोरिंग पे थे अपने पिंटू जो हिम्मत सिंह भाई है। एक नंबर का गेम भाई साहब का, पिंटू का, और आज भी उनकी स्कोरिंग बेस्ट है भाई। हाँ नीरज बेटा, बख्तावरपुर में भी जीते थे जब हमारे साथ नीटू खेला था, स्कोरर हमारा, हाँ शीनू गया नहीं था शायद हमारे साथ जब, बिल्कुल कह रहे हो, वो टूर्नामेंट भी हमने जीता था, गुड़गांव से पहले वही जीता था, खांडसा से पहले फर्स्ट टूर्नामेंट, नीटू भाई थे जो अपने यूपी से है, चूनसा गाँव से है, शामली से। हाँ भाई दिव्यांश सहराव, तू खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता, ग्राउंड में आओ खेलो, बिल्कुल इसमें कोई एज थोड़ी ना होती है सीखने की, किसी भी उम्र में सीख सकते हो, कभी भी खेल सकते हो, जुनून होना चाहिए बस आपके अंदर खेलने का। जगह भाई, मैंने गेम स्टार्ट कम से कम 15 साल हो गए हैं जब शुरू करा था, और शुरू भी मैंने यहाँ नहीं किया था दिल्ली में, मैंने पथरेड़ी में शुरू किया था गेम, वहीं खेला था पहले। हाँ नीरज बेटा, कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना,
नीतेश बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही ना, ना मैं कोच हूँ आपका टीम का, चिराग दिल्ली का ना मेरा कोई मतलब। ये बातें तो आप ही कहते होंगे। आपका जो कोच है उससे बोलो, वो बात करेगा, जो चिराग कोच है वो बात करेगा, करो आप बात। भाई मोनू वो जो लीलू बक्कर वाले का गेम मैंने एक ही बार देखा है भाई, भाई साहब उन जैसा खिलाड़ी तो शायद ही कोई होगा दिल्ली में। जंप शॉट भी उनका काफ़ी अच्छा था, सेंटर भी खेलते थे, बहुत बढ़िया गेंद था भाई का। लीलू सहरावत बकरवाला एक नंबर के खिलाड़ी थे भाई मोनू, और काफ़ी पुराने खिलाड़ी थे। और अपने जो सुनील भाई है, जो अपने नंगली जालिमपुर से है एक काले भाई, वो भी उनके साथ खेलते थे। हाँ कौशिक भाई कराओ। अरे जग्गा भाई राहुल के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम पड़ेगा भाई, छोटे भाई है मेरे और वैसे रिलेशन में भी है, रिश्तेदारी में, क्योंकि शीनू के तो ये चाचा है। के लड़के हैं भाई हमारे तो राहुल भाई, और गेम तो उनका भी अच्छा है और स्पोर्ट्स से तो वे शुरू से जुड़े हुए हैं। 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर में उनके आसपास कोई नहीं था, रेस में सबसे बढ़िया राहुल जून ही थे अपने ब्लॉक में। इनका जो ब्लॉक अपने पटौदी पड़ता था, इन्होंने ही काफ़ी रेस के टूर्नामेंट उठाए हैं स्पोर्ट्स से, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल भाई कोशिक कराए हैं आपने। मनोज भाई राम राम। भंडारी भाई का मैंने बताया था भाई विपिन भाई के सावदा में जब खेले थे तो भंडारी की ही वजह से आधे पॉइंट आए थे, उन्होंने ही जंप लेकर फर्स्ट बॉल मारी थी ऑफ स्कोरिंग से। यमुनानगर टीम जब सामने थी हमारे, उन्होंने ही आधे 10-12 पॉइंट निकाले थे, और स्कोरर अपने दीपक भाटी था। और अनुज भाई जो सापला से हैं, मैं उनके साथ एक बार ही खेला हूँ, और वो भी शायद मैं झाड़ली गया था जब भी उनके साथ खेला हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात है, करीब हो गए होंगे 10 या 12 साल पहले की बात है। और जब हम फाइनल भी जीत के आए थे वहाँ पे झाड़ली में, अच्छा टूर्नामेंट था वो। अनुज भाई भी काफ़ी बढ़िया अपने कराड़ा में देखे हैं उस टाइम पे जब सुनील भाई खेलते थे और अनुज भी खेलते थे, बेस्ट स्कोरर थे अनुज भाई, फ्री स्टाइल में भी अच्छा वो थे, बहुत बढ़िया था उनका गेम। हाँ मनोज भाई बिल्कुल भाई, राजेंद्र भाई आप ठीक कह रहे हो, हर फॉर्मेट अपनी अलग एक पहचान देता है, ड्रॉपिंग भी अपनी एक अलग पहचान थी, और दिल्ली में हरियाणा में राजस्थान में यूपी में तकरीबन ड्रॉपिंग ही खेलते थे। बिल्कुल बहुत अच्छे, और एक से एक बढ़िया टीमें थी, बहुत टीमें थी, जब शायद दिल्ली में ही जब ड्रॉपिंग की कम से कम नहीं तो 20 टीमें थी उस टाइम में।
और जो ये एक दिन का टूर्नामेंट 2 दिन चलता है, इसका कारण ये है कि जो हमारे जो खिलाड़ी हैं ये शाम को 6 बजे ग्राउंड पे पहुंचते हैं टूर्नामेंट वाले के। जब उनका फर्स्ट मैच 8 या 9 बजे होगा तो सेकंड राउंड राजेंद्र भाई साहब आप देख लो आप कितने बजे आएगा, 2 बजे आएगा, तो पूरी रात निकल जाती है। इसलिए 2 दिन के टूर्नामेंट होते हैं। अगर टूर्नामेंट सभी टीमें टाइम पर पहुंच जाए, जो टाइम है दिन का 10, 11, 12 बजे जो भी मौसम के हिसाब से सर्दियों में, तो मैं कहता हूं कि टूर्नामेंट 10 या 9 बजे तक फाइनल ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि हमारी पब्लिक भी देख पाए। लास्ट में जब अगर टीमें लेट जाती हैं, 6 बजे पहुंचती हैं, तो वहाँ पे दर्शक नहीं होते किसी भी टूर्नामेंट में। रात को 4 बजे फाइनल हो रहा है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, खाली 2 टीमें खेल रही हैं फाइनल, बस वे ही हैं और कमेटी है जिसने प्राइज देना है, उसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है। तो इसके टाइमिंग के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, जो टाइम पे आए उसकी एंट्री लो, ना आए मत ना लो उसको, लेट वाले की कोई एंट्री मत ना लो, भले ही आपके पास 8 टीमें आए, उनको खिलाओ, उनको प्राइज दो और जाओ भाई घर। अगले जो टूर्नामेंट होगा आपका वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि सबको पता लगेगा कि भाई उस कमेटी में टूर्नामेंट खेलने जाना है तो टाइम पे जाना होगा, नहीं तो एंट्री नहीं है। जो भी भाई टूर्नामेंट कराए, जो टाइम दिया है उसी पे एंट्री करें। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा वो दे सकते हो आप अपनी तरफ से, पर ये ना हो कि आप लिखो 12 बजे और शाम को 6 बजे एंट्री ले रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इनाम राशि पर टाइमिंग ज़रूर रखो, ये बहुत ज़रूरी है ताकि सब खिलाड़ी अपने टाइम पे घर जाएं, दर्शक भी अपने देख के घर जाएं। रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे कौन देखेगा भाई? कोई मैच नहीं देखेगा, शायद जो अगर कोई लाइव चला रहा है तो उसे भी नहीं देखना पसंद करते। लाइव भी अगर रात को अगर कोई 3-4 बजे देख रहा है तो 4 या 5 ही आदमी देखेंगे जो रात को नहीं सो पाते। हाँ मनोज भाई, आपका भी गेम बेस्ट है भाई, 1 नंबर का गेम है, उसमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ नाना यमुना नगर भाई अच्छे इंसान हैं, खिलाड़ी भी अच्छे रहे हैं, उनके बारे में अभी मैंने बताया था, अभय प्रताप ठाकुर भाई जी, टीम उनकी बेस्ट टीम थी हरियाणा की, उन्होंने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा सभी जगह अपने नंबर एक रहे हैं अभी जब तक खेले हैं। विनय भाई कैसे हो? महाराज आवास वाले राम राम भाई। भाई मनोज जी अच्छी अच्छा गेम है, अच्छी टीम है भाई की, बहुत बढ़िया है भाई, मैंने बताया आपका, बहुत बढ़िया है भाई साहब, आपकी टीम बेस्ट टीम है आपकी भाई। भाई नवीन शर्मा क्यों मजाक कर रहा है? मेरे कहने से कौन क्या कर सकता है? ये तो आप मजाक वाली बात लिख दिया आपने कि मेरे कहने से हो, और वो भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हाँ भाई, जग्गा भाई ने अपने वहाँ डाबरा में जयपुर टीम को हराया था, ये हमने भी अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा था, हमने मैच तो देखा नहीं है। खैर राम राम भाई, राजेश पंजाबी जी कैसे हो भाई जी?
क्या सही बात नहीं है बेटा दिव्यांश शेरावत? भाई सिंगल सिंगल में सबसे बेस्ट गेम किसका है वॉलीबॉल में? पहले हमारे यहाँ डल्लूपुरा से थे एक सिंगल सिंगल में, भाई का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो अपने दिल्ली पुलिस में है, उनसे ऊपर कोई नहीं था, डल्लूपुरा से थे वो भाई, बहुत ही बढ़िया गेंद था, बेस्ट। जय श्री राम भाई रचित, कैसे हो? हाँ बेटा शीनू, बिल्कुल कहा था जग्गा ने, 5 या 10 मिनट का फ़र्क था, और आपके बाद 4-5 टीमें आई थी जग्गा डाबरा के वहाँ टूर्नामेंट में, उनकी एंट्री थी, आपकी एंट्री नहीं ली। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप भाई, हालांकि फ़ोन तो जग्गा को आपने भी किया था होगा, बिल्कुल, और आप नोएडा ही थे उस टाइम, वैसे एंट्री लेनी थी जग्गा ने पर नहीं ली उसने, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नमस्कार भाई रोहित लोचप, कैसे हो भाई? जग्गा भाई आप 6 के बाद ठीक कह रहे हो, किसी की एंट्री नहीं हुई, 6 के बाद तो भाई शास्त्री भाई भी आया था, एक दो टीम में और आई थी, उनकी भी एंट्री हुई है, चाहे आप उनको दूर से लगा लो या कैसे लगा लो, आपने एंट्री ली है, मैं भी वहीं था। हाँ सिंगल में भाई लेफ्टी भाई लीलू दोनों बढ़िया हैं। हर संधू कैसे हो भाई? खेरीमान सिंह से नीरज बेटा, आज लाइव कौन मना कर रहा है? हम तो चाहते हैं लाइव आओ, आप आओ, मैंने कब मना करा है? अब मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ भाई लीलू भाई, मैं यही कह रहा था कि देखो सभी टीमों को टूर्नामेंट में टाइम पे जाना चाहिए, ताकि जो टूर्नामेंट टाइम पे उसका जो फाइनल ख़त्म हो सके। अब सभी अगर टाइम पे जाएंगे, जितनी भी टीमें हैं, तो टूर्नामेंट टाइम पे ही ख़त्म होगा, 9 बजे 8 बजे इतने बजे ख़त्म हो जाना चाहिए फाइनल। बिल्कुल भाई लीलू भाई, बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं, और आपके टीम में तो भाई साहब हमेशा ही जल्दी टूर्नामेंट होता है, टाइमिंग का होता है, बेस्ट टूर्नामेंट होता है टीट में, रेवाड़ी में, मैंने देखा है ये तो, और खेला भी है भाई आपके गांव में। बिल्कुल भाई, मैं तो कहता हूँ लीलू भाई, अगर कोई टाइम पे ना आए तो एंट्री मत ना लो किसी की।
अगले टूर्नामेंट में अपना आप आएगा वो टाइम पे। राम राम सुनील मान भाई, कैसे हो? गोहाना वाले भाई, लेफ्टी भाई, अच्छे हो? नमस्कार विपिन गुजर भाई, यमुनानगर से, कैसे हो भाई जी? राम राम डबास जी, कैसे हो जी? बाकेलाल डबास जी, हाँ अश्विन भाई, आशीष चौहान जी भाई ठीक कह रहे हो। गोलू पटौदी जो है भाई अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं, अच्छा अरेंजमेंट होता है उनके वहाँ पे, सभी प्लेयरों का मान सम्मान भी करते हैं गोलू पटौदी, और बढ़िया मैच कराते हैं गोलू जो पटौदी से है, अच्छा टूर्नामेंट होता है उनका। और विकास खोड़ का जो अभी टूर्नामेंट होया था उसमें 53 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें करीब 17 या 18 टीमें ऐसी थी कि उनमें से कोई भी फाइनल जीत सकता था, सभी बेस्ट टीम में थी वे, पंजाब से भी आई थी, जयपुर भी आई, चिराग दिल्ली भी, करनाल भी, जींद भी, रोहतक भी, गोहाना भी, और इंद्री, नजफगढ़ की दो टीमें थी, दोनों बहुत बढ़िया थी, बेस्ट टीम में थी। मोनू की टीम बहुत अच्छी थी, मोनू की भी, सोनीपत, काफ़ी टीमों ने भाग लिया भाई, और फॉर्मेट भी अच्छा था उनका और बढ़िया करा उन्होंने विकास भाई ने। बिल्कुल कौशिक भाई, बिल्कुल देखो भाई, बिल्कुल हराया होगा, आपकी बढ़िया टीम है, बेस्ट टीम है, बढ़िया भाई। गगन भाई कैसे हो? गया था जब मैं पहुंचा था तो शास्त्री की जो टीम थी भाई मेरे सामने आई थी भाई, बिल्कुल, और उसकी एंट्री थी भाई, और वो 6 बजे के बाद ही आई थी भाई। अब आप उसे कैसे एक्सेप्ट करो कैसे ना करो वो आपकी मर्जी भाई। भाई खेरी मान सिंह करनाल की अच्छी टीम है, बेस्ट टीम है, और जो अपने विक्की है भाई, और सोनी है, राजेश है, शीला अपने नेटमैन है, अच्छी टीम है भाई, बहुत बढ़िया टीम है। और जो मोनू जो आजकल जो उनके साथ खेल रहे हैं साइड में जो नए हैं प्लेयर, बहुत बढ़िया गेम है उस भाई का, अच्छा गेम है, बहुत बढ़िया टीम है खेड़ी मान सिंह। भाई नीटा चिराग दिल्ली बेस्ट गेम है, और बेस्ट सेंटर कह सकते हो, अब फिलहाल सेंटर नहीं है, ड्रॉपिंग में शायद ही कोई टीम हो जो इन्होंने जिसको नहीं हराया हो, सबको हराया है, अच्छा गेम दिखाया, अच्छा नीरज। अंकित पथरेड़ी का भाई बढ़िया गेम है, फिलहाल में जो चल रहा है बेस्ट है, सेंटर में है ही, हरियाणा में नंबर एक पे चल रहा है। हाँ लीलू भाई आप ठीक कह रहे हो, तो उनका इलाज है भाई, सबका इलाज है, ऐसी कोई बात नहीं है,
टूर्नामेंट में ही सबका होता है। और आपके यहाँ तो उदाहरण मैं दे चुका हूँ आप वाला, तो कि टीट में होता है ये काम, टाइमिंग का होता है सब कुछ, और टाइमिंग पे ही टूर्नामेंट ख़त्म होता है। बिल्कुल भाई, भाई साहब राजेंद्र, जो थर्ड बॉल एंड रैंड का गेम, मेरा जो पर्सनल राय जो है, शायद जो लंबे लंबे स्कोरर है उनकी वजह से ही ड्रॉपिंग कम हुई है। जिस टीम में लंबू है वही जीत रहा है भाई, छोटे स्कोरर की कोई वैल्यू नहीं है। अब कितनी पॉइंट निकाल लेगा छोटा स्कोरर, 10 नेट लगेगी, एक बार डिस्टर्ब कर पाएगा। पर जो लंबा स्कोरर है, फर्स्ट बॉल नेट लगी उसको मारेगा, वो नहीं उस पे पॉइंट नहीं आया दूसरी पे मारेगा, तो तीसरी पे तो लेगा ही लेगा लंबू सकोरर जो भी है, जिस टीम में भी है। मनीष फोगाट भाई, देखो हरियाणा में एक पंचायत की काफ़ी टीमें हैं बेस्ट, जैसे अपने इंद्री है, करनाल की मानसिंह खेड़ी की है, पथरेड़ी है, और बलियाणा है, बालोट है, निमोट है, लीलू टीट है, काफ़ी टीमें हैं जो एक पंचायत की बेस्ट टीमें हैं हरियाणा में। कम से कम नहीं तो आपको 20 टीमें आराम से मिल जाएंगी बेस्ट टीमें। बिल्कुल बिल्कुल बांकेलाल दबास भाई, सिंगल सिंगल में और डबल डबल में लीलू बेस्ट है भाई, मुकाबला नहीं है इनका। इसकी लीलू भाई की और लेफ्टी की जोड़ी एक नंबर है भाई। हाँ कौशिक भाई, बतौला टीम बढ़िया टीम है, अपने एक भाई साहब थे, शायद कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, नंदू भाई जो सीनियर प्लेयर हैं, उनकी देन है ये जो बतौला टीम है। और काफ़ी टूर्नामेंट कराए हैं भाइयों ने बतौला में, बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए हैं और छोटे छोटे इवेंट भी कराए हैं, अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं बतौला वाले। और सभी बच्चे बढ़िया हैं, खिलाड़ी भी बढ़िया है, ये तो नंदू भाई की देन है, बहुत बढ़िया है नंदू भाई। भाई रज्जी के बारे में बता तो दिया मैंने, लीलू फ्रॉम टीट भाई, लीलू तो नाम है, वैसे असली नाम उनका सूरत यादव है, टीट उनका गांव है रेवाड़ी में। रोहित भाई यादव ऐसा तो नहीं है, पंचायती टूर्नामेंट ही हो हर जगह, ये तो किसी ने बताया नहीं है कि सभी जगह पंचायत हो रहे हैं। 5-2 भी होते हैं, 4-2 भी होते हैं, एक प्लेयर भी बाहर का अलाउड होता है, ओपन भी होते हैं। खेलने वाला तो हर फॉर्मेट में खेल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है जिसके गांव की टीम नहीं है। जो 5-2 का होता है या ओपन होता है खेलो, और ओपन टूर्नामेंट बहुत होते हैं भाई, और 5-2 के तो होते ही ज़्यादा हैं। जिसकी टीम नहीं है वो किसी भी टीम में खेल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों छोड़ेगा अपना गेम भाई। ये तो आपने गलत बता रहे हो आप ये। सलोदा भाई अच्छी टीम है भाई साहब, सलोदा ही बढ़िया है। हाँ मंजीत फोगाट भाई, मैंने अमित भीमा के गेम तो खैर इतना नहीं देख पाया हूँ मैं, अच्छे है भाई साहब वे, बढ़िया है भाई। हाँ भाई तिगांव में, फरीदाबाद में काफ़ी टूर्नामेंट हुए हैं, जो मनीष अदाणा हैं काफ़ी टूर्नामेंट कराया है इन्होंने, इनके 2 पाने हैं वैसे गांव में, एक में अदाणा है एक तरफ शायद नागर है। तो मनीष ने भाई ने बहुत टूर्नामेंट कराए हैं बड़े बड़े, और काफ़ी दूर दूर की टीमों ने भाग लिया है उसमें, जयपुर करनाल काफ़ी दूर दूर से।
और बढ़िया ही टूर्नामेंट कराए हैं काफ़ी। हाँ राजेंद्र भाई ठीक कह रहे हो आप। राम राम भाई यादव बलजीत कैसे हो। और सभी भाइयों से मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि भाई सभी सेफ रहें, कोरोना से बच के रहें, इसको मजाक में ना लें, ये महामारी है। जितने ही मेरे खिलाड़ी मेरे भाई हैं सब भाई सेफ रहें और गवर्नमेंट का पालन करें, जो जो बताया है, सैनिटाइज करते रहें, मुंह पर कपड़ा बांधे, घर से बाहर निकले, ज़रूरी हो जब भी बाहर जाएं घर से कोई काम हो, वरना घर पर रहें, अपना समय व्यतीत करें जब तक ये महामारी है। नहीं कौशिक भाई देखो फरीदाबाद में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सभी अपने अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं और बड़े जो अपने हमारे सीनियर हैं, जो मेरे साथ के हैं, मेरे से बड़े हैं, सभी बढ़िया हैं और सभी से मुलाकात होती रहती है, हर तीसरे चौथे दिन बात भी होती रहती है, सभी बढ़िया हैं, अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। हमारे साथ शायद ही कभी ऐसा हो जाओ। बढ़िया भाई। और भाइयों सब अपने ऐसा नहीं है जो जिसके दिमाग में ये हो रहा है कि भाई आईपीएल में मैं नहीं खेल पाऊँगा, बिल्कुल खेलेगा भाई, लगन होनी चाहिए खेलने की, मेहनत होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल भाई स्टे सेफ स्टे होम और सभी के लिए हैं। आप लोग अपना गेम दिखाओ, खेलते रहो, अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा आईपीएल पे आपको और टैलेंट से ही आईपीएल खेला जाएगा, वैसे नहीं खेला जाएगा कि ले नहीं भाई ये मेरा जानकार है मेरा सिलेक्शन करा दो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भाई के मन में ये हो या दिमाग में चल रहा हो कि यार ये भाई है ये तो अपनी टीम ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूँ सभी भाई जो भी इच्छुक है अपने खेलने का वो विपिन भाई से कांटेक्ट कर लें खेलने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि कईयों के दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं खेलने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों, सबको मौका मिलेगा खेलने का, सबको अपना गेम दिखाना होगा, उसके आधार पे ही सबका होगा जो भी सिलेक्शन है। बाकी हाँ विपिन भाई यही मैं सबको बता रहा हूँ भाई, देखो गेम के बारे में पूछो, पर नहीं यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। विपिन भाई से कांटेक्ट कर लो भाई साहब, वो पूरा आपको डिटेल दे देंगे, राहुल कावड़िया जी, विपिन चहल, अब काफ़ी टाइम हो गया है, किसी भाई को अगर खेल के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, रिलेटेड जो भी कुछ पूछना हो भाई कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है नमस्कार भाइयों साथियों, सेफ रहो, भगवान से मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बंद छोटे बड़े जितने भी खिलाड़ी हैं सभी सेफ रहें, इस महामारी से बचे रहें।